उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में चाचा ने अपनी भतीजे के साथ दुराचार करने के बाद न सिर्फ उसकी निर्मम हत्या की बल्कि उसका शव बक्से में भरकर छिपा दिया। परिजनों की खोजबीन के बाद जब बक्से में शव मिला तो गांव में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मौके पर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में संदिग्ध मृतक किशोरी के चाचा को हिरासत में लिया तो पूरा मामला खुलकर सामने आया। जानकारी के अनुसार घटना कोतवाली नगर के रामनगर गोंडवा चौकी क्षेत्र स्थित अमलिया खुर्द की है। मंगलवार को 14 वर्षीय मृतका सालू का शव घर के अंदर बक्से में पाया गया। शाम होते होते ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। लोगों ने पुलिस को सूचित भी किया लेकिन पुलिस तहरीर का इंतजार करती रही। जब कप्तान ने पेच टाइट किए तो सीओ सिटी राघवेंद्र चतुर्वेदी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पड़ताल की तो अजीबोगरीब तथ्य सामने आया। पुलिस के अनुसार सत्यनारायण कोरी अपनी भतीजी सालू के साथ दुराचार करने के बाद उसका साड़ी से गला कसकर हत्या कर देता है। इसके बाद वो शव को घर के एक बक्से में छिपाकर फरार हो जाता है। परिजनों द्वारा बताया गया कि सत्यनारायण कोरी अविवाहित है व गांव मोहल्ले की लड़कियों से जलन रखता था। उसकी अपनी भतीजी पर हमेशा गलत निगाह रहती थी और वो हमेशा उससे छेड़छाड़ आदि करता रहता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेजकर विधिक कार्यवाही की है। कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। आरोपी के खिलाफ हत्या बलात्कार जैसी धाराओं के साथ पास्को एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। विलिया खुर्द है थाना कोतवाली नगर में। यहाँ पे एक सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बच्ची का मर्डर हो गया है। उसमें थाना स्थानीय की पोस्ट और क्षेत्र अधिकारी नगर ये मौके पे सब लोग गए थे। उसमें पता ये चला कि जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके अनुसार उसका जो एक चचेरा साला वो चाचा है उसने मर्डर किया था और करके उसके साथ बलात्कार करने के पश्चात डेड बॉडी को बक्से में छिपा दिया। इसमें बॉडी रिकवर की गई और उसके बाद जो और ये भागने की फिराक में था उसके चाचा का जिसका नाम सत्यनारायण है उसे गिरफ्तार किया गया। उससे अपराध पंजीकृत करके आज उसे रिमांड लिया गया। नाउ 44 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज